नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर यादव। इस बुलेटिन में देखेंगे रविवार की सबसे बड़ी खबर को। रविवार का दिन छतरपुर के लिए मेडिकल कॉलेज की मांग का दिन रहा। छतरपुर में 27 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन के बाद रविवार को मेडिकल संघर्ष मोर्चा की ओर से महारैली का आयोजन किया गया। शहर की सड़कों पर लोग निकले छतरपुर में मेडिकल कॉलेज को मांगने के लिए। बाजार में व्यापारियों ने स्वतः ही दोपहर 2 बजे तक अपनी दुकानें बंद रखी और मेडिकल कॉलेज की मांग को अपना समर्थन दिया। शहर के छत्रसाल चौक पर मेडिकल मोर्चा की मांग पर, उसके आह्वान पर हजारों लोग इकट्ठे हुए। ये लोग छतरपुर के छत्रसाल चौक से महल चौक बाजार हटवारा बस स्टैंड पहुंचे, जहां पर एक आम सभा का आयोजन किया गया। रैली के दौरान तमाम बाजार बंद रहे। डीजे पर माइक से लोगों ने छतरपुर में मेडिकल कॉलेज मांगने के लिए सरकार से गुहार लगाई। सरकार को बार बार ये बताया कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज की कितनी आवश्यकता है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के निर्देश के बाद 7 नए मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश में खोले जाने हैं। संभावना ये है कि छतरपुर का मेडिकल कॉलेज एक बार फिर कहीं और जा सकता है। ऐसे में मेडिकल संघर्ष मोर्चा और मेडिकल संघर्ष समिति लगातार छतरपुर में मेडिकल कॉलेज खोले जाने के लिए प्रदर्शन कर रही है। 27 दिनों से शहर के छत्रसाल चौक पर धरना प्रदर्शन चल रहा था और अब इस महारैली के जरिए शहर के लोगों ने मेडिकल कॉलेज की इस मांग को बड़ा किया है। मेडिकल कॉलेज के लिए निकाली गई इस महारैली में हजारों लोग शामिल हुए। स्कूली बच्चे और महिलाओं की संख्या भी देखने लायक थी। ये लोग रैली के माध्यम से हाथों में तख्तियां लेकर बस स्टैंड पहुंचे। पत्रकार चौक फव्वारा चौक पर एक आम सभा हुई, जहां पर लोगों ने मेडिकल कॉलेज के संबंध में अपनी बात रखी। मेडिकल संघर्ष मोर्चा की ओर से श्याम किशोर अग्रवाल, हरिप्रकाश अग्रवाल, सुरेंद्र अग्रवाल, पूर्व विधायक जेपी निगम सहित सैकड़ों लोग इस महायात्रा में शामिल हुए और इसकी अपील भी इन्होंने जारी की थी। महारैली जब बस स्टैंड पर पहुंची तो यहां पर लोगों ने माइक से अपने विचार भी रखे। माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आएंगे 4 मई को, हम उनसे बात करेंगे और उससे पहले अगर आप लोग फिर चाहते हैं दोबारा माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लिया जाए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर आप लोगों को मिलाऊंगी, वो आप लोगों को अच्छी तरह से बताएंगे। लेकिन मैं आप लोगों को साथ हूँ और मैं ये कहना चाहती हूँ आप लोगों को, हमारे आत्मबल पर मैं कहना चाहती हूँ कि छतरपुर में मेडिकल कॉलेज जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आज का बंद और किसान रैली के देखकर जनता में जो उत्साह देखा गया है, उससे निश्चित है कि छतरपुर की जनता छतरपुर में मेडिकल कॉलेज चाहती है। अगर एक महीने के अंदर विधिवत मेडिकल कॉलेज की घोषणा नहीं होती, विधिवत का मतलब जब तक कैबिनेट में मंजूर न हो जाए और उसके लिए बजट आवंटित न हो जाए, जब तक संघर्ष जारी रहेगा। और आप लोग भी समझ लीजिए कि छतरपुर की जनता अब मेडिकल कॉलेज से समझौता करने को तैयार नहीं है। मेडिकल कॉलेज के लिए निकाली गई ये महारैली आम जनता की रैली थी, किसी राजनीतिक संगठन या किसी अन्य संगठन का आह्वान नहीं था, मेडिकल संघर्ष मोर्च का आह्वान था। लेकिन तमाम राजनीतिक दलों के लोग, सामाजिक और जातिगत संगठनों के लोग भी इस महायात्रा में शामिल हुए। राज्य मंत्री ललिता यादव भी बस स्टैंड पर इस आम सभा में पहुंची और उन्होंने सरकार की ओर से अपना पक्ष रखा। मैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते, सरकार में मंत्री होने के नाते हमने जो प्रयास किया है, जैसे ही 3 संसदीय क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज का ऐलान हुआ, मैंने कम से कम 3-4 जगह की जमीनें भेजी ताकि वो खजुराहो क्षेत्र में आए, हम वंचित न रह पाए। हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है, हमारे पास रेलवे स्टेशन भी है, हमारे पास 300 बेड का अस्पताल भी है, हमारे यहाँ 5 जिलों की जनता आती है। ये सब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है। मैं सारे विधायकों को लेकर मिली थी, मैंने इनको भी न्योता दिया था कि आप लोग आए और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। आपको ये भी पता हो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मैं माननीय नड्डा जी से मिल के आई हूँ और अपने यहाँ की परिस्थिति बता के आई हूँ। हमारा राइट बनता है, मैं इनकी जनभावना का सम्मान करती हूँ और मैं प्रयास करूंगी, कोशिश करूंगी ताकि छतरपुर जिले में मेडिकल कॉलेज आए। आज रैली के लिए क्या समर्थन दिया? नहीं, मैंने रैली में आके मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री होने के नाते मैंने ज्ञापन लिया है और समर्थन किया है कि मैं चाहती हूँ कि मेडिकल कॉलेज आए।
इसके साथ ही कांग्रेस नेता आलोक चतुर्वेदी ने भी यहां पहुंचकर अपनी बात कही। तमाम दूसरे दलों के नेता जैसे शिवसेना के जिला प्रमुख मुन्ना तिवारी भी यहां पहुंचे, आम आदमी पार्टी के अमित भटनागर यहां पहुंचे, व्यापारी संगठनों से लालचंद्र लालवानी, जयकुमार जैन, राजेंद्र नीखरा, मेडिकल संघर्ष समिति के राजू सरदार, पुष्पेंद्र प्रताप सिंह के छोटे भाई उपेंद्र प्रताप सिंह सहित सैकड़ों की तादाद में लोग यहां पहुंचे और अपनी बात रखी। इसके साथ ही कलेक्टर रमेश भंडारी भी इस आम सभा में पहुंचे और यहां पहुंचकर उन्होंने खुद ज्ञापन हासिल किया। और हम सब में आज इस चीज की एक भावना है कि हमारे मेडिकल कॉलेज छतरपुर का जो एक अधिकार है, एक हक है, वो हमारा मेडिकल कॉलेज हमको मिलना चाहिए। पता नहीं ये अनेक वर्षों से ये लड़ाई चल रही है, इसकी मांग चल रही है और अभी तक हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज हमको नहीं मिला। इस खबर में इतना ही, फिर हाजिर होते हैं अगली खबर के साथ। नमस्कार।